कम दोस्तों, आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हाइपोटिनस एआई के बारे में। दोस्तों, बहुत अच्छा एआई टूल है और बहुत काफ़ी कुछ चीज़ इससे किया जा सकता है। दोस्तों, इस ये मतलब 7 डेज़ के लिए तो फ्री है, आप इसका यूज़ कर सकते हैं। मतलब आपको जो है, देख लीजिए, क्विक रेस्पॉन्स, प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शंस लिखना है या ब्लॉग पोस्ट लिखना है, टेम्पलेट्स लिखना है या इमेज जनरेट करना है, और हाइपोडॉक बनाना है, समराइज कंटेंट या रीराइट कंटेंट आपको जो है अपने वेबसाइट या ब्लॉग में जो भी आप करना चाहते हो। मतलब बहुत अच्छा है एआई टूल। मैं आपको वन बाय वन सारी चीज़ें इस वीडियो में बताने वाला हूँ और बहुत सारी चीज़ें हम कर कर देखेंगे। तो सबसे पहले दोस्तों, ये मुझे ये वाला इंटरेस्टिंग लग रहा है, इमेज जनरेटर। तो देखिए, अभी तो मैं कह रहा है डिस्क्राइब योर डिज़ायर इमेज, मतलब डिस्क्राइब करो डिज़ायर इमेज आप कैसा चाहते हैं। तो मैं करता हूँ डिस्क्राइब, जैसे कार इज फ्लाइंग विद डॉग एंड सम काइंड ऑफ ट्री ऑल्सो फ्लाइंग। देखिए दोस्तों, ये मैंने इतना, ये जो है, अब टाइप्स में जाना है कौन से, मैं फोटोग्राफी करना चाहते हो, डिजिटल आर्ट है, आर्ट है, टेंडर है, तो मैं आर्ट वर्क में करना चाहता हूँ। अब ये इसमें हम कर लेते हैं, ये से जैसे मैं मैजिकल करना चाहता हूँ, मैजिकल आर्टिस्ट स्टाइल, ये मोड लाइट था, मोड लाइट भी कर लेते हैं। मोड लाइट में लाइट डार्क स्मूथ स्ट्रोमी स्ट्रोमी कर देते हैं, तीन सेलेक्ट करने को बोल रहा है, काम ही कर देते हैं, और एक और बोल रहा है और हम कर देते हैं एलिगेंट कर देते हैं। उसके बाद इतना हो जाता है, सॉरी, एक ही रहने देते हैं, इसमें एलिगेंट कर देते हैं बस। उसके बाद इसमें आते हैं स्टाइल में, पेंसिल ड्राइंग का जो भी आप करना चाहते हो, जैसे मैं ब्लू प्रिंट सिनेमा 3D मैंने कर दिया। साइज कौन सा रखना चाहते हो ये भी है, और हम जो है अपना सारा कुछ लिख कर अब इसको जनरेट कर देते हैं। अब देखिए, ये बोल रहा है योर इमेजिन्स आर द वे एंड अप टू 2 मिनट, 2 मिनट में जो है हमारी जो है इमेज तैयार होने वाली है। तो देखिए दोस्तों, मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ अगर ये बहुत कैसे काम करता है, क्योंकि ये भी एक नया मार्केट में टूल आया है, तो मतलब काफ़ी हाइपोटिनस यूज़ इसका नाम है, तो आप इसको यूज़ कर सकते हैं। तो मैं देखिए थोड़ा रुक जाते हैं, और इसके बाद कार इज़ फ्लाइंग विद अ डॉग एंड सम काइंड ऑफ ट्री, और ये देखिए दोस्तों क्या यार, मतलब मैं तो गजब जी। आप ये देख सकते हैं, ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए, मतलब जो मैंने डिस्क्राइब किया वो वही इसने जो है जनरेट करके दे दिया। अब आप यही फ़ोटो ले 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 लेते हैं, ये देखिए दोस्तों, इसको हम डाउनलोड भी कर सकते हैं। मतलब आप ये देखिए क्रिएटिविटी का कौन सा लेवल है। तो चलिए हम होम पेज पर आ जाते हैं। हमने ये जाना, अब प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन लिखना है इसके, जैसे न्यू कैटलॉग नेम, जैसे मैं एआई टूल कर देता हूँ क्रिएट, और जो है कैटलॉग हमारा बन गया। अब डिस्क्रिप्शंस लिखना है या गेट स्टार्टेड रेडी, तो कुछ ऐसा कुछ देखना नहीं है, स्टार्ट डायरेक्ट स्टार्ट करेंगे हम अपना, और जो है न्यू आइटम हम कर देते हैं। तो जो जिसी के बारे में आपको डिस्क्रिप्शन लिखना है, सपोज डेट, तो सबसे पहले तो अपलोड इमेज यहाँ कर देना है, उसके बाद प्रोडक्ट टाइटल डालना है, ब्रांड नेम डालना है, उसके बाद कुछ फीचर ऐड कर देना है, उसके बाद ये जनरेट करके आपको दे देगा। दोस्तों बहुत मतलब इतना अच्छा है कि जो मार्केटिंग करते हैं, जो सपोज डेट अपना प्रोडक्ट लिस्टिंग करते हैं, तो इससे अच्छा आपको कहीं नहीं मिल सकता है। तो ये भी एक अच्छा है, या जो फ्रीलांसिंग करते हैं तो उसके लिए तो और भी अच्छा है। प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शंस लिखना, ये वो लिखना, मतलब सब चीज़ें कर सकते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट है दोस्तों ये। तो हम आ गए अपने उस पर प्रोडक्ट। अब ब्लॉग पोस्ट दोस्तों, अब ब्लॉग पोस्ट में भी चलते हैं, देखते हैं इसमें क्या क्या चीज़ें हैं। तो गेट स्टार्टेड कर देते हैं, तो यहाँ पर हम आ गए। तो डिस्क्राइब द टॉपिक एंड सपोज डैट, डिस्क्राइब टॉपिक करना है, टॉपिक है टॉप 10 एआई टूल फॉर राइटिंग, ठीक है।
कन्वर्सेशनल टोन कैसे रखनी है, ह्यूमेरियस रखनी है, प्रोफेशनल प्रोफेशनल कर रखने है, प्रोफेशनल रख देते हैं, मीडियम वर्ड है, तो राइट योर ओन ओन टाइटल्स जनना है। चलो जनरेट करते हैं और देखते हैं दोस्तों ये क्या चीज़ जनरेट करके हमें देता है। तो जनरेटिंग योर टाइटल, डिपिंग आवर पेंस इन ए लिंक, मतलब और भी आगे मैं आपको बहुत सारी चीज़ें बताने वाला हूँ दोस्तों, मेरे साथ अभी तक बने रहिए। तो 10 बेस्ट AI रोड 2020, टॉप अल्टीमेटेड 2020, तो इसने 2020 का हमें जो है दे रहा है, तो मैं इसको बोलता हूँ 2023 का बोलता हूँ। बेस्ट AI टूल, बेस्ट AI राइटिंग कीवर्ड जो है, तो जनरेट टाइटल, अब मैंने इसको दोबारा दिया 2023 का। अब देखिए दोस्तों ये करंटली जो है वो चीज़ कर पाता नहीं कर पाता, क्योंकि करंट में हम, क्योंकि 20 हम तो वहाँ कुछ है ही नहीं, 20 में 20 का क्यों करो। बेस्ट AI टू राइटिंग टूल, ठीक है, ये मैंने आउटलाइन कर दी, क्रिएट आउटलाइन। अब हम देखते हैं कि अब जो है नेक्स्ट प्रोसेस क्या करता है। तो इसके बाद हम आते हैं यहाँ पर आउटलाइन टाइपिंग ऑफ अपने स्ट्रॉम। एक तो है, या तो आप चैट जीपीटी का यूज़ कर सकते हैं, डायरेक्ट वहाँ पर प्रॉम्प्ट डालेंगे भाई बेस्ट AI टूल दे दो। तो देखिए दोस्तों ये इसने दे दिया AI टू राइटिंग लिंक्स ह्यूमन स्ट्रोमी कॉपी स्मिथ स्पीची, ये इसने दे दिया। अब ये पूछ रहा है हेडलाइन ये रखनी है, तो हम कर देते हैं हाँ यस हमें यही रखनी है। तो ये राइट समथिंग, कुछ लिखना नहीं है बस ऐसी, मतलब लिखने को भी गलत, ये उसके लिए दोस्तों अगर ब्लॉग पोस्ट बना। अब जैसा आउटलाइन मैंने ये रख दी, अब आर्टिकल क्या लिखना है, आर्टिकल लिखना चाहते हो ये पैराग्राफ कंक्लूजन जो भी आप करना चाहते हो, तो ये सिंपल ऑफ वर्ड में आपको करके दे देगा। अब नेक्स्ट की चीज़ बात करते हैं दोस्तों, टेम्पलेट्स हैं इसमें, टेम्पलेट्स बहुत सारे आपको देखने को मिल जाएंगे। जैसे ये देखिए, आस्क AI एनीथिंग, रीराइट कंटेंट, समराइज इन एड्स एंड सोशल मीडिया है, अकाउंट गूगल एड्स, फेसबुक एड, लिंक्डइन पोस्ट टाइटल, यूट्यूब टाइटल एंड डिस्क्रिप्शंस लिखना है, वीडियो हुक एंड इंट्रोडक्शंस करना है, या वेबसाइट हेडलाइन टाइटलिंग साइट के लिए न्यूज़लेटर, मतलब काफ़ी कुछ चीज़ें आपको देखने को मिल जाएंगी दोस्तों इसी में। तो चलिए हम नेक्स्ट चीज़ें हम ट्राई करते हैं इसमें। तो हमें ये वाले तो हो गए, तो जैसे रीराइट कंटेंट करना, अब रीराइट कंटेंट जैसे दोस्तों किसी की भी वेबसाइट या ब्लॉग पर गए, हम उसी की तरह ब्लॉग लिखना चाहते हैं, तो जस्ट वहाँ से कॉपी पेस्ट करना है और हमने को यहाँ पर पेस्ट कर देना है, तो उसके बाद ये रीराइट करके दे देगा और वहाँ से कॉपी पेस्ट करके अपने वहाँ पर हम चिपका सकते हैं। अब ये कितना आसान है दोस्तों, मतलब आपको एक टूल, बस एक टूल चाहिए यही वाला। तो हाइपोटेनस यूज़ इसका AI टूल नाम है, तो आप इसका मतलब यहाँ पर आपको देना है जो भी आप, जैसे मैं सपोज डेट यहाँ पर कर देता हूँ कि बेस्ट ब्लॉग्स ऑन AI। तो अब देखते हैं दोस्तों क्या रिजल्ट देखने को मिलता है इसमें। जैसे अब इसने 10 ग्रेस मशीन लर्निंग, मतलब बहुत सारे दे दिए अब इसने, मुझे तो एक चाहिए बस ओनली, तो दे देते हैं ये, कोई से भी ले लेते हैं, अलाउ कर देते हैं। सपोज डेट मुझे यही, मतलब इतना ही मैं आपको दिखा देता हूँ बस ओनली, ये है जैसे। तो हम अपने चूस पे चलते हैं, तो मैं यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। उसके बाद जो है इसका कन्वर्सेशन कैसे रखना है, अपने टोन कैसे रखनी है, ह्यूमेरियस प्रोफेशनल प्रोफेशनल रख लेते हैं, और ये हम जो है जनरेट करके दे देते हैं। तो जस्ट वेट फॉर अ मिनट, और ये आपको जो है एक नई चीज़ क्रिएट करके दे देगा, मतलब आप पुरानी से एक नई चीज़ जो है क्रिएट हो सकती है। तो रीराइट जैसे ये है दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हो, तो यहाँ पर ईच, तो ये इसने ये करके दे दिया दोस्तों, ये इन ए फील्ड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज क्रूशियल टू कॉन्शियसनेस, अपडेट अवर नॉलेज एंड लेवरेज द लेटेस्ट AI टूल इन ऑर्डर टू स्टे करंट टू एकम्प्लिस दिस इज एसेंशियल टू फॉलो द अप्रोच रिसोर्सेज, मतलब इसी चीज़ में से जो है इसने रीराइट करके दे दिया एक नया कॉन्टेंट। आपको ये किस फॉर्म में लिखना है, तो मैंने प्रोफेशनल फॉर्म में लिखा है, अगर आप नए फॉर्म में लिखना चाहते हो तो उसके लिए टोन अपनी चेंज करनी पड़ेगी। तो चलिए दोस्तों हम अब नई चीज़ देख लेते हैं, ये आपको मैंने बताया हाइपरडॉक अपलोड PDF एंड आस्क एनीथिंग अबाउट इट, मतलब आप अपलोड कर सकते हैं PDF और उसके बाद जो है इससे कुछ भी पूछ सकते हैं। और समराइज कॉन्टेंट में दोस्तों जो भी वीडियो है या एक्सट्रैक्ट वहाँ से कर सकते हैं, मतलब एक नई चीज़ एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं,
क्योंकि बहुत सारे इतने सारी चीज़ें ब्लॉग पोस्ट में होती है, तो उसको कब तक पढ़ोगे आप? तो उसमें एक्सट्रैक्ट करके कि नई चीज़ कि भाई इसने बोला क्या है। तो आई होप दोस्तों वीडियो अच्छी लगे, तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करना, और बहुत सारी चीज़ें आप इसमें कर सकते हैं। तो तब तक के लिए थैंक यू, और मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। आपका धन्यवाद, थैंक यू।